अगर रेडी की है उसका इंटीरियर मैं आपको दिखाती हूँ, आपका बिना टाइम वेस्ट किए कि हम लोगों ने क्या इंटीरियर किया है। वेलकम बैक गाइज आवर यूट्यूब चैनल कास्टा एंड नोएडा, और मैं हूँ कृतिका। आज हम लोगों ने रेडी की है टोयोटा की अर्बन क्रूज़र, जिसको अंदर से कर दिया है कम्प्लीटली मॉडिफाई। तो एक बार मैं आपको उसका इंटीरियर दिखाती हूँ कि हम लोगों ने इसके इंटीरियर में क्या चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे पहले आप एक लुक इसकी सीट्स का देखिए, जो सीट्स में हम लोगों ने फिनिशिंग दी है, और हम लोगों ने इसमें यूज़ किया है आइस ग्रे कलर इन नापा लेदर, क्योंकि गाड़ी का जो कलर है वो वाइट है, तो अंदर से थोड़ा मैचिंग के लिए हम लोगों ने नापा लेदर और आइस ग्रे में ही यूज़ किया है। तो फर्स्टली हम लोग, अगर मैं सीट कवर की बाद में बात करूँगी, बट सबसे पहले मैं आपको इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाती हूँ, जहाँ पे वर्क करना बहुत आसान नहीं होता है, बट स्टिल हम लोगों ने वहाँ पे काम किया है, और क्या काम किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो इसका डैशबोर्ड। अब आप बोलोगे कि डैशबोर्ड में क्या चेंजेस है, डैशबोर्ड तो ऑलरेडी ब्लैक ही होता है। ऑलरेडी डैशबोर्ड ब्लैक होता है, एकदम सही बात है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो उसका स्पीडोमीटर होता है उसके ऊपर जो हम लोगों ने पार्ट है उसको कम्प्लीटली लेदराइट कर दिया है। इस पार्ट को लेदराइट करना बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें कर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कर्व होने के वजह से जो स्टिचिंग वगैरह में है उसको फोल्ड करने में लेदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे हम लोगों ने कम्प्लीटली लेदर कर दिया है, वो भी सेम ब्लैक स्टिचिंग के साथ। तो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, क्योंकि हर गाड़ी में आपको ये चीज़ नहीं दिखने वाली है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कम्प्लीटली इसका लेदर कर दिया है। प्लस अगर आप इसका ये वाला पार्ट देखो डैशबोर्ड का, तो ये भी हम लोगों ने कम्प्लीटली लेदर कर दिया है, जो कि हमारा नॉर्मली कोटिंग रहती है जिसमें फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। मैट में ये प्रॉपर लेदर है, जिसमें आप फिनिशिंग देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। प्लस इसमें अगर आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, इसका डैशबोर्ड वैसे तो गाड़ी का ऑलरेडी ब्लैक रहता है, लेकिन हम लोगों ने जो आप पुराना का डैशबोर्ड देखोगे तो ब्लैक एकदम रफनेस होता है, फिनिशिंग नहीं होती, लुक अच्छा नहीं आता है, बट हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैक ही रहने दिया है उसको, लेकिन लेदर सॉफ्टिल कोटिंग की है। ब्लैक कलर की हम लोगों ने पूरे डैशबोर्ड पे लेदर सॉफ्टिल कोटिंग कर दी है, जिसमें इसका लोअर डैशबोर्ड इंक्लूड है, प्लस इसका कंसोल पार्ट इंक्लूड है, और साथ ही में इसके अगर आप डोर्स देखोगे तो डोर्स में भी हम लोगों ने कम्प्लीट यहाँ पे ब्लैक के ऊपर ब्लैक ही लेदर सॉफ्टिल कोटिंग की है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का लुक इतना अच्छा आ रहा है। अगर आप इसका ओल्ड लुक देखोगे, जो फिनिशिंग है डोर्स की, अगर मैं बात करूँ इस पार्ट की और इस पार्ट की, तो ये फिनिशिंग आपको ऐसी नहीं मिलने वाली है। अगर आप ओल्ड में और न्यू में कंपैरिजन करोगे तो आपको खुद कंपैरिजन दिख जाएगा। प्लस इसका अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने कम्प्लीटली लेदर किया है, जो कि सेम सीट से मैचिंग का आइस ग्रे है, और थ्रेडवर्क हम लोगों ने सेम आइस ग्रे रखा है। प्लस अगर आप इसमें एक चीज़ और नोटिस कर पा रहे होंगे, तो वो है इसके पैनल्स। ये जो आप देखोगे, इसके डोर पैनल है, इसका डैशबोर्ड का पैनल है, ये कम्प्लीटली वाइट स्ट्रिप आती है, जो कि अच्छी तो लगती है, लेकिन हम लोग जब गाड़ी को पूरा कॉम्बिनेशन ब्लैक और आइस ग्रे का दे रहे हैं तो वो मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ इस स्ट्रिप को पूरा कर दिया है पियानो ब्लैक। पूरा डैशबोर्ड का और डोर का आप देखोगे तो ये स्ट्रिप्स हम लोगों ने पियानो ब्लैक कर दी है। तो ये पूरा हमारा जो पार्ट आप देखोगे डैशबोर्ड और डोर का, तो कम्प्लीटली हम लोगों ने चेंज कर दिया है लेदर सॉफ्टिल कोटिंग के साथ, प्लस लेदर के साथ। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की। इसका स्टेयरिंग अगर आप देखोगे तो डुअल टोन में हम लोगों ने रखा है, जो कि सीट कवर से मैचिंग का है आइस ग्रे के साथ। थ्रेडवर्क हम लोगों ने कम्प्लीटली आइस ग्रे यूज़ किया है, तो ये डुअल टोन में, क्योंकि हम लोग ब्लैक का यूज़ करें, तो हॉर्न पैड हम लोगों ने इसका ब्लैक ही रहने दिया है, क्योंकि कस्टमर को गाड़ी के अंदर ब्लैक ज़्यादा चाहिए था, आइस ग्रे थोड़ा कम चाहिए, तो हम लोगों ने सिर्फ जो सीट्स है वहाँ पे हम लोगों ने आइस ग्रे ज़्यादा यूज़ किया है, अदरवाइज़ ज़्यादा कहीं और नहीं यूज़ किया है। प्लस इसके साथ अगर आप देखोगे, इसमें हम लोगों ने 90 फ्लोरिंग भी की है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया कि हमारी 3 लेयर फ्लोरिंग रहती है, जिसमें नीचे ईवा शीट आती है, जिसकी वजह से अगर आपकी गाड़ी पर कुछ लिक्विड फॉर्म गिरता है तो वो आपकी गाड़ी के सरफेस तक नहीं जाता है, उसके ऊपर हमारी ये फ्लोरिंग आती है, और उसके ऊपर ग्रास मैट्स आते हैं, और बहुत ही ईजी रहता है इनको क्लीन करना। वेलक्रो से हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, आप इजीली निकाल के रिमूव करके आप क्लीन कर सकते हो। प्लस अगर आप देखोगे इसमें कि स्टिचिंग जो आपको दिख रही होगी वो आइस ग्रे की है, इंटीरियर से मैचिंग की हम लोगों ने थ्रेडवर्क यूज़ किया है, तो गाड़ी का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अगर आप नीचे से देखोगे तो। अब मैं बात करती हूँ इसके सीट कवर्स की।
तो भाई सीट कवर्स जो आपको मिलने वाले हैं वो प्रॉपर अगर आप देखोगे थोड़ा सा हम लोगों ने क्रेटा का डिज़ाइन हम लोगों ने इसके अंदर यूज़ किया है। सेंटर में हम लोगों ने परफोरेशन रखा है, साइड में हम लोगों ने डायमंड कट रखा है और नापा लेदर है आइस ग्रे के अंदर। ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन रखा है, थ्रेड वर्क हम लोगों ने जो यूज़ किया है वो कम्प्लीटली आइस ग्रे का किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं सीट्स के कंफर्ट जोन की बात करूँ तो हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा कुशनिंग और फॉर्मिंग ऐड करते हैं, तो आपका जो कंफर्ट जोन रहता है वो ऑलरेडी इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे सीट्स आपको जो मिलने वाली है वो कम्प्लीटली कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छे लुक में मिलने वाली है। तो ये हमारी गाड़ी का पूरा ओवरऑल इंटीरियर था जो कि हम लोगों ने अर्बन क्रूज़र के अंदर किया है। तो ये तो बात हो गई हमारी गाड़ी के फ्रंट लुक की, कि फ्रंट में हमारी सीट्स और कंफर्टेबल जोन हमारा कैसा रहने वाला है, डैशबोर्ड और डोर कैसे रहने वाले हैं। लेकिन एक बार हम देखते हैं कि इसकी बैक सीट में क्या हमें यही कंफर्ट जोन मिलने वाला है, क्या फिनिशिंग सेम मिलने वाली है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगर आप एक बार नज़र डालोगे तो सेम फिनिशिंग आपको मिलने वाली है। साथ में अगर मैं कम्फर्ट जोन देखूँ तो कम्फर्ट जोन की अगर हम बात करें तो भाई कंफर्ट जोन भी आपको आगे की सीट्स वाला ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको आगे की सीट्स ही ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छी लगे, पीछे की सीट्स ऐसे ही है, कंफर्टेबल है, कुशनिंग हम लोगों ने इसमें भी एक्स्ट्रा की है। और अगर सीट्स में आप इसका बैक पार्ट देखोगे तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर स्पेस देते हैं, ताकि वाइल्ड ड्राइविंग अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, पेपर रखना है या फिर आपका ग्लास वगैरह, आप इजीली यहाँ पे कैरी कर सकते हो। साथ ही में अगर इसका पीछे का पैटर्न आप देखोगे, हम लोगों ने ब्लैक रखा है क्योंकि आगे आइस ग्रे है और गाड़ी में हम लोगों ने जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया है वो आइस ग्रे और ब्लैक का किया है। तो फ्रंट में आइस ग्रे हम लोगों ने कम्प्लीट रखा है, प्लस बैक में हम लोगों ने ब्लैक ही रखा है। तो जो ब्लैक और आइस ग्रे का कॉम्बिनेशन है वो ऑलरेडी आपने लास्ट वीडियोस में भी देखा है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाड़ी को अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लुक दे रहा है, गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और हम लोग जो करते हैं वो सिर्फ अर्बन क्रूज़र या फिर कोई एक ही गाड़ी नहीं करते, आपकी जो भी गाड़ी हो आप उसको कम्प्लीटली चेंज करा सकते हो, इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर में भी। तो आप अपने अकॉर्डिंग गाड़ी अपनी रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करा सकते हो। तो कोई भी गाड़ी आप लेके आ सकते हो हमारे पास, इंटीरियर एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें हम लोग करते हैं इसके अंदर, जो भी आप कराना चाहो, लाइक इंटीरियर है, पीपीएफ है, सेरेमिक है, या फिर एक्सटर्नल आपको एक्सेसरीज से रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो वो भी आपको मिल जाती है। तो ये था टोयोटा की अर्बन क्रूज़र का इंटीरियर। मैं आपके लिए नई नई गाड़ियाँ और नए नए इंटीरियर की वीडियोस लाती रहूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप नई नई गाड़ियाँ और नए नए गाड़ियों के इंटीरियर मेकओवर एक्सटीरियर में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं वो आप देख सको। और साथ ही में आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा चैनल पे, कासा एंड नोएडा के नाम से आपको हमारा इंस्टा चैनल मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी गाड़ी को कुछ अच्छा लुक दें, कुछ अच्छा उसमें कराएं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कासा एंड नोएडा 7271838383।